वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाली है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होली के लिए ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल्स। अगर आपने कुर्ती डाली है एंड होली में कुछ हेयर स्टाइल ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो है आपके लिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से पतला वाला रबड़ बैंड लेंगे इस टाइप का, ओके, इस टाइप का। फ्रंट से आपको बालों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, थोड़े से बालों को इस तरीके से पकड़ना है, ज्यादा दूर नहीं लेके जाना है, क्राउन एरिया के आसपास ही रखेंगे। और इसमें एक रबर बैंड लगाएंगे ये वाला पतला वाला। उसके बाद इसको आगे की तरफ पुल करोगे तो इजीली आपका पफ बन जाएगा। और पफ नहीं बनाना है तो आप इसमें इस तरीके से आगे की तरफ पुल करके आप सिंपली वो कर दीजिएगा, इसमें क्लिप ऐड कर दीजिएगा तो आपका पफ बन जाएगा। और इस तरीके से हम लोग कर देंगे तो ये भी आपका पफ बन जाएगा एंड इसमें आपको क्लिप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। एंड साइड से आपको लेयर्स निकाल लेनी है, जितने भी निकालनी है। एंड इधर से हम लोग हेयर को लेंगे, कॉम करेंगे और इसमें भी अच्छा होता है कि रबड़ बैंड ऐड कर सकते हो। और रबड़ बैंड ऐड नहीं करना है तो आप सिंपली इसको ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके जो आपकी क्लिप है रबड़ बैंड है उसके ऊपर ही इस तरीके से रख देंगे और इसमें क्लिप ऐड कर देंगे। फिर इसी तरीके से दूसरी साइड करेंगे, लेयर्स निकालना मत भूलिएगा, लेयर्स निकालनी है आपको। ओके, अगेन ट्विस्ट करेंगे और जो आपने क्लिप लगाई थी उस क्लिप को हाइड करते हुए इस लेयर को भी इस तरीके से रखेंगे। बॉबी क्लिप से इसको सिक्योर कर देंगे, ओके। उसके बाद आपने जो ये लेयर्स लगाई हैं उनको इस तरीके से पकड़ेंगे और आपस में ट्विस्ट करेंगे। कुर्ती के लिए बता रही हूँ हेयर स्टाइल, थोड़ा मैसी सा बन बनाएंगे एंड यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। बैक से ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, अच्छे से कॉम कर देंगे बाकी बालों को। आप चाहो तो बालों में कर्ल्स डाल सकते हो और भी प्यारा लुक आ जाएगा। एंड चाहो तो साइड से इस तरीके से रख सकते हो। अभी मेरे बालों में हल्का फुल्का ऑयल है तो ऐसे दिख रहा है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा प्यारा सा लुक आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया होली के लिए। और इसके साथ अगर आप चाहो तो बालों को चोटी भी बना सकते हो। चोटी बनाने के लिए सारे बालों को एक साइड लाओगे एंड सेकेंड हेयर स्टाइल बता रही हूँ, इसको ऊपर से खोल देंगे जो हमने बन बनाया है इसको, और सारे बालों को नीचे की तरफ ले आएंगे। ओके, और यहाँ से चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते जाएंगे। Thank you.
अगर छोटे बाल वाले लड़के हैं तो इतने पे ही आपको रबर बैंड लगा देना है, एंड अगर लंबे बाल हैं तो आप पूरा चोटी गूंथ लोगे तो बहुत प्यारा लुक आ जाएगा। बैक से ऐसा लगेगा एंड फ्रंट पे इस तरीके का लुक आएगा, ये भी काफी प्यारा लगेगा। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको सिंपली अपने बालों को बीच से पार्टीशन करनी है। आजकल फ्लैट लुक ज्यादा चल रहा है तो आपको इस तरीके से फ्लैट लुक रखना है। एंड इस तरीके से बालों को ट्विस्ट करना है, फ्रंट से इस तरीके से फ्लैट रखना है एंड ट्विस्ट करके बैक की तरफ जाएंगे और यहाँ पे क्लिप लगा देंगे। तेल लगे हुए बालों में बता रही हूँ होली के लिए डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल। फिर ये वाला लेयर निकाल देंगे एंड दूसरा लेयर उठाएंगे एंड ट्विस्ट करेंगे। बैक साइड में लेके जाएंगे, दोनों लेयर्स को एक पास रखेंगे इस तरीके से एंड क्लिप को रिमूव करेंगे एंड इस तरीके से टाइटली रखना है, लूज नहीं करना है, और क्लिप को ऐड कर देंगे। ओके, और साइड से जो लेयर है वो ऐसे ही निकले रहेंगे। फिर दूसरी साइड से भी आपको ऐसे ही करना है। इस तरीके से बिल्कुल टाइटली दूसरा जो क्लिप लगाया था आपने उसके ऊपर ही लेके जाएंगे एंड क्लिप से होल्ड करेंगे इसको। एंड इस साइड से भी आप लेयर निकाल लोगे, सेकंड लेयर लेंगे और ट्विस्ट करेंगे। ऊपर वाला जो लेयर है वो बहुत पतला हो जा रहा है जिसकी वजह से निकलने का चांसेस बढ़ जा रहा है, तो उसको निकाल ही लेंगे एंड इस तरीके से खींच के ले जाएंगे और जो बॉबी क्लिप हमने लगाया था उसको रिमूव करेंगे। और ध्यान रखिएगा जो आपने पहले क्लिप लगाया उसके ऊपर इसको इस तरीके से क्रॉस करते हुए ले जाएंगे जिससे कि आपका हेयर स्टाइल लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। और बीच से इस तरीके से बालों को थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे और काफ़ी प्यारा सा हमारा हेयर स्टाइल बनकर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। बैक में आप चाहो तो जो आपने लेयर्स लिए हैं उनको उठा लीजिएगा एंड इस तरीके से टाइट ट्विस्ट कर दोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो वो ट्विस्टिंग वाले लेयर्स थे वो खुलेंगे नहीं एंड लॉन्ग टाइम तक टिके रहेंगे, क्योंकि होली का त्यौहार है तो बाल बहुत ज़्यादा हिलते डुलते रहते हैं। हम लोग डांस फंक्शन पार्टी रंग लगाना दौड़ना भागना लगा रहता है, तो अच्छे से आप अपना सेट कर लीजिएगा बालों को ताकि खुले नहीं। अभी आपका हेयर बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और लॉन्ग टाइम तक टिका रहेगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड हेयर स्टाइल फॉर होली एंड साइड से ऐसे दिख रहा है एंड इस तरीके से। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। आपका फेस अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप यहाँ से इस तरीके से भी लेयर निकाल लीजिएगा तो थोड़ा और भी अच्छा लुक आ जाएगा। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। चौथे हेयर स्टाइल में आपको करना क्या है, आपको लेना है साइड पार्टीशन। साइड पार्टीशन लेके इस तरीके से बालों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और लगाएंगे एक रबर बैंड। तो यहाँ पे रबर बैंड लगाएंगे और रबर बैंड को करेंगे लूज और इस तरीके से फ्रंट से लेके जाएंगे। देखिए इस तरीके से लूज करेंगे और फ्रंट से बैक के साइड लेके जाएंगे। लेयर्स जो निकालनी है आप पहले ही निकाल लीजिएगा
और जो आपने रबड़ बैंड लगाई है जस्ट इसके ऊपर क्लिप से सिक्योर करेंगे। पहले यहाँ से बालों को हटा देंगे। इसके ऊपर से हेयर को इस तरीके से गिरा देंगे। ओके, और फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा। अब बारी आती है इस साइड के हेयर की, तो इस साइड के हेयर को आपको सिंपली ऊपर की तरफ कॉम करना है। कॉम तो ऊपर की तरफ करेंगे लेकिन ऐसे पूरा फ्लैट नहीं रखना है। आपको अपनी फेस को कवर करने के लिए लेयर्स निकाल लेने हैं, जिससे कि जो आपका हेयर स्टाइल का लुक है वो अच्छा दिखे। ओके, इतने लेयर्स निकालने के बाद आप सारे बालों को ऊपर की तरफ ले जाओगे एंड ट्विस्ट कर लोगे और हल्का सा आगे की तरफ पुल करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा फ्लैट लुक ना आए। अगेन हेयर को हटा देंगे और क्लिप से सिक्योर कर देंगे। और ऊपर से हेयर को इस तरीके से रख देंगे। इस वाले हेयर स्टाइल में आपको कोशिश करनी है कि सारे बाल आप एक साइड में रखोगे तो इस तरीके का लुक आएगा। ये भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है और लॉन्ग फेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये हेयर स्टाइल। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल। चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। पांचवे हेयर स्टाइल में आपको सारे बालों को ऐसे ही रखना है, देन यहाँ से ये लेयर्स निकाल के चोटी गूंथनी स्टार्ट करनी है। तो इस तरीके से रखना है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है बालों को एंड नीचे से लेयर ला ला के सेंटर में रखते जाएंगे इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा कैसे कर रही है। पतली पतली लेयर्स लाने हैं। अगर आपके बाल लंबे हैं तो ये जरूर कीजिएगा और बहुत प्यारा लगेगा होली पे आपका हेयर स्टाइल। इस तरीके से गूंथते जाना है। मेरे तो सारे बाल छोटे हैं तो मैं शॉर्ट शेयर पे ही बता रही हूँ, बट मैं इस पे तरीके बता रही हूँ ताकि आप लंबे वालों पे भी कर पाओ ये सारे हेयर स्टाइल। ये तो मुझे बहुत कमेंट आने लगते हैं कि मैम लंबे वालों पे कैसे करें, तो आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैं बता रही हूँ। इस तरीके से करने के बाद आपको रबड़ लगा देना है। रबड़ टूट गया, दूसरा भी टूट गया। और ऐसे ही करके नहीं छोड़ना है, अभी बता रही हूँ। ऐसे आपने रबड़ लगा लिया, आप इसको थोड़ा थोड़ा खींच लीजिए सारी चोटी को, ताकि इसमें वॉल्यूम ऐड हो जाए। और छोटे वालों पे भी ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरीके से आप छोटे वालों पे चोटी के साथ इसको कर सकते हो जो कि काफ़ी प्यारा लगेगा। तो आपको कैसा लगा, पाँचों में से कौन सा हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। होली आ रही है तो होली पे ये वाला हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छे लगेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो भी जा चुकी है होली के लिए, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।